जी हाँ, ये भीड़ कोई एक दिन की भीड़ नहीं है, ये भीड़ होती है हमेशा। संगीतमय श्री राम कथा में सुश्री अर्पणा जी नागदा की कथा जहाँ भी होती है वहाँ इस भीड़ का नज़ारा देखने को मिलता है। वहीं यहाँ एसके न्यूज़ नेटवर्क से साध्वी श्री अर्पणा जी नागदा ने विशेष चर्चा करी और यहाँ दहेज प्रथा जन्मदिन को लेकर भी कई बातें एसके न्यूज़ संवाददाता नितेश पाटीदार को बताई। आप भी सुने इससे पूरी विशेष चर्चा को और समझे। वही आपको बता दें कि राष्ट्रीय संत श्री राम परिवार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साध्वी श्री अर्पणा जी नागदा ने क्या कुछ कहा, इन बातों को हमें सुनना चाहिए और मनन भी करना चाहिए। देखें इस पूरी विशेष चर्चा को। आपकी कथा यहाँ पर हो रही है ग्राम आकोदड़ा में, उसके बाद अगली कथा जो है हमने ये सुना है कि बद्री विशाल में भी आपकी कथा होगी, वो कथा किस दिनांक को होगी और समस्त भक्तों के लिए, क्षेत्रीय भक्तों के लिए जो भी आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? हमारी कथा वर्ष में एक बार, साल में एक बार, वैसे एक बार तो हम कह रहे हैं बाकी दो बार भी हो जाती हैं, तीर्थ में होती हैं। वैसे तो लगातार कथाएं हमारी सभी राज्यों में, जिलों में और प्रदेशों में सभी जगह होती रहती हैं, पर हम एक जो कथा रहती, साल में एक बार जो तीर्थ में कथा रहती है वो हम तीर्थ में रखते हैं। और जो ये आने वाली 24 मई, आने वाली 24 मई इसमें हमारी कथा रहेगी। हम बद्री विशाल का हम कथा का कह रहे हैं, पर बद्री विशाल अगर कुछ कारणवश या तो गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाने के कारण बैन भी हो जाती है कभी कभी। तो वहां नहीं हो पाई तो हमारी कथा रहेगी हरिद्वार में, हरिद्वार में कथा रहेगी। और ये जो कथा रहेगी इसमें सारे भक्त जहां जहां, इसमें कोई यजमान नहीं होता है कि एक यजमान ही इस कथा को करवा रहे हैं, जहां जहां हमने कथा करी है वहां सभी दूर से भक्त चलते हैं और उन भक्तों की जो एक राशि होती है वो राशि तय कर दी जाती है कि इतनी राशि आपकी रहेगी। दीदी जी, राशि तय कर दी गई या कुछ राशि आपको बताएं तो वैसे तो ऊपर जाते हैं तो बहुत ही राशि होती है, आप जानते हैं, आप जाते ही हो यात्रा, कभी आप गए होंगे या हमको कोई जो जाते हैं वो बताते हैं कि कोई 30,000, कोई 35,000, कोई ऐसे में ले जाते हैं। पर हमारी जो तीर्थ यात्रा की जो कथा है हम उसमें बिल्कुल कम से कम राशि रखते हैं, और कम से कम राशि इसलिए रखते हैं क्योंकि जो गरीब वर्ग के हैं या वो नहीं जा पाते ऊपर, यात्रा भी नहीं कर पाते हैं और उन्हें यात्रा करने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है तो वो अपनी कथा के माध्यम से यात्रा कर लेते हैं। तो हमारी इतनी राशि ना रखते हुए हम मात्र अभी हमने राशि रखी है 22,000। उस 22,000 में आपका आना जाना, किराया, भोजन, ऊपर की चार धाम की यात्रा, उन गाड़ियों का किराया सभी उसी में, आपको कहीं पर उसमें कुछ अलग से नहीं देना। हाँ, यदि आपको जैसे हेलीकॉप्टर से जाना है, पिट्ठू से जाना है या आपको घोड़े से, खच्चर से, उससे जाना है तो वो आपकी व्यवस्था रहेगी। जैसा कि दीदी जी ने बताया है कि 24 मई को बद्री विशाल की यात्रा कथा होगी, लेकिन आपको जरूर जानकारी दी जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। लेकिन दीदी जी, यहाँ पर भगवान श्री राम की बात हो रही थी, भगवान श्री राम ने, हमने रामायण में भी देखा है कि वहाँ पर उनको पिता के आदेश पर, पिताजी ने जो कहा था उनके, दशरथ जी ने, कि 14 वर्ष का वनवास, तो वनवास उन्होंने पूरा जीवन वनवास मतलब गुजारा। और आज का ज़माना देखा जाए 2023 का, और वो उस ज़माने में काफ़ी संत मुनि हुए थे जिन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और उसी राह पर चले थे, तो वह सक्सेसफुल भी हुए। और आज के ज़माने में आज का जो युवा है, कहीं ना कहीं जो युवाएं, हम सभी युवाओं के नहीं कह रहे, कुछ युवा गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं, तो युवाओं के लिए भगवान श्री राम के सानिध्य में आपका क्या संदेश रहेगा? हमारा इसके ऊपर हम शुरू से ही गौर करते हैं, हमारी जो कथा है उस कथा में रामचरितमानस में या भागवत कथा कहो या शिव पुराण कहो, हर कथा में अधिकतर जो नवयुवक भैया है, जो नवयुवक बहनें हैं, जो युवतियां हैं, जो नवयुवक युवतियां हैं, भैया हैं, वो सब जुड़ते हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। वो इसलिए जुड़ते हैं
उनका कहना ये होता है कि दीदी भी हमारी उम्र के हैं, दीदी भी हमारे जैसे हैं, तो हम भी यदि इनसे जुड़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और यदि वो जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और रामचरितमानस में आपने हमको बताया कि जैसे राम जी अपने पिता की आज्ञा मान करके और वन की ओर गए, और आज का जो बेटा है, या सबकी नहीं कहेंगे, आपने भी यही बताया, हम भी सबकी नहीं कहेंगे, कुछ हैं ऐसे जो कि अपने माता पिता को त्याग करके, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके, और वो अपने परिवार में खुश रहना चाहते हैं, तो उनके लिए हम विशेष कर ये संदेश देना चाहेंगे कि उन्होंने उनके माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। यदि वो ही माँ बाप आपको अनाथ आश्रम में बचपन में छोड़ देते तो फिर सोचो उनका क्या होता। यदि उन माता पिता ने बचपन में आपकी इतनी सेवा करी, आपको इतना ध्यान रखा कि मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरा बेटा कुछ बन जाएगा, और कभी आपने कुछ गलती कर दी उसको भी स्वीकार किया, तो फिर जब माँ बाप जब बुजुर्ग अवस्था में हो जाते हैं, तो बुजुर्ग अवस्था में आने के बाद में वो भी एक बालक के, एक बच्चे की भांति हो जाते हैं। तो वो आपका कर्तव्य बनता है कि आपको भी उनके साथ में वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा आपको बचपन में उन्होंने प्रेम दिया है, वैसा आपको उनको बुजुर्ग अवस्था जब उनकी आ जाती है तो उनको देना चाहिए। क्योंकि राम जी ने, उस समय की बात है त्रेता युग की, कि रामचरितमानस में भगवान श्री राम क्या करते थे और आज के माता पिता क्या सिखा रहे हैं। पहले राम जी जब सबसे पहले उठते थे तो अपने माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते थे कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव ही माता। तो सबसे पहले उठते थे तो अपने माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते थे। अब आज का बच्चा यदि उठता है तो वो अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करता, अपने गुरु को भी प्रणाम नहीं करता। सबसे पहले बच्चा उठा है, उसे क्या आपको शिक्षा देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप सोशल मीडिया से मत जुड़िए, हम ये नहीं कहते कि आप मोबाइल मत चलाइए, हम ये नहीं कहते कि आप टीवी मत देखिए, आप न्यूज़ मत, आप न्यूज़ देखिए, आप टीवी देखिए, आप यूट्यूब चलाइए, आप यूट्यूब में भी अच्छे अच्छे चैनल, जैसे हमारे नितेश पाटीदार मंदसौर यूट्यूब चैनल, इसमें भी आपको धर्म से जुड़ी हुई बात बता रहे हैं। तो आप ऐसी चीजें देखें, आप सुबह पहले उठ करके और क्या देख रहे हो उसमें, जो भी आप व्हाट्सअप देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, या जो भी, हम ये नहीं कहते आप सोशल मीडिया मत चलाइए, आप चलाइए, पर आप उस फेसबुक पर जुड़ा हुआ जो आपका मित्र है वो इतना दूर बैठा है, आप उससे पूछ रहे हो कि क्या आपने भोजन किया, आप उससे पूछ रहे हो क्या आपने चाय पिया, और आपकी माँ, आपके पिताजी, आपके परिवार वाले, जो आपकी माँ आपके लिए भोजन बना करके ला रही है, उससे आपने ये तक नहीं पूछा कि माँ तूने चाय पिया कि नहीं, माँ आपने भोजन किया कि नहीं, आप थक गए होंगे। ये अच्छी बात कही है, ये समस्त युवाओं को मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, और इंस्ट्रक्शन नहीं मानिए तो आप एक धर्म, हिंदू सनातन धर्म से हैं तो उसका पालन जरूर कीजिएगा। दीदी जी, हमने ये देखा है कि आप अभी बता रहे थे उज्जैन महाकुंभ में आपने चार कथा कंटिन्यू करी है, एक दिन में चार कथा करी हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि आपकी जब भी कथा होती है तो वहाँ पर जो पांडाल लगता है वो जैसे कि प्रथम दिन हुआ और द्वितीय दिन और तीसरे दिन जब कथा होती है तो पांडाल को बढ़ाना पड़ता है जी। और आप सक्रिय होकर कथा देते हैं, उसका क्या राज? अब उसका राज तो हम ये बताएं कि हमारे जो ठाकुर जी उनके भी आपको दर्शन करवाए जाएंगे, उनकी बहुत बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है कि मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकती। 8 वर्ष से जब हम कथा कर रहे हैं तब से हमें कहीं सीखना है तो हम नहीं गए, क्योंकि 8 वर्ष के हम कहाँ सीखने के लिए जाएंगे। ये कहें कि ये एक उनका ही हमारे ऊपर एक गिफ्ट है जो मैं ठाकुर जी ने दिया है। और जब भी हमने 8 वर्ष से हम कथा कर रहे हैं तो जब भी हमने कथा करी शुरू से हम अभी तक देखते आ रहे हैं, हर बार दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन से टेंट बढ़ाना ही पड़ता है। और यही दशा शायद आप भी अपने आंकुड़ा में भी हो रही है। तो हम बता रहे थे कि जहाँ पर भी कथाएं होती आपको अधिकतर टेंट बढ़ाना पड़ता है, और वहाँ की, क्योंकि एक ठाकुर जी वहाँ जो हम बैठते हैं वहाँ पर हम नहीं बैठते हैं, वहाँ पर कोई और बैठता है,
व्यासपीठ है, केवल हम एक माध्यम है। आपने देखा होगा कि अधिकतर जो पोथी में लिख पढ़ करके फिर बोलना, फिर वो हमसे नहीं हो पाता है। यदि हम उसमें पढ़ेंगे तो पढ़ने में ही रह जाएंगे। इसी वजह से हमको, आपने अधिकतर देखा होगा कि हमारी, हम आपसे फेस टू फेस हमारी ऐसी कथा चल रही, तो कैसे कि हम जब भी जाते हैं ठाकुर जी को वहाँ से निमंत्रण दे करके, वो वही बैठते हैं वहाँ पर, उनको व्यासपीठ पर पहले वो विराजमान होते हैं, और जब वो विराजमान हो जाते हैं तो हम अपनी व्यासपीठ पर बैठ करके, और जब मंत्रोपचार मंगलाचरण करते हैं उसके बाद में हमको ऐसा लगता है कि ना ये मेरा कोई रिश्तेदार है, ना ये कोई रिश्तेदार है, ना ये मेरे, कुछ भी नहीं पता है। यदि पिता भी बैठा होगा, माँ भी बैठी है, तो हमको ये नहीं लगेगा कि ये कौन है, क्योंकि वहाँ पर बैठने के बाद में सब मेरे ठाकुर जी के एक शिष्य, एक समान हो जाते हैं। और उस समय हमारे अंदर हमको ऑटोमेटिक ऐसा लगता है कि जैसे रिकॉर्डिंग लगा दी है, और वो रिकॉर्डिंग ही बोल रही है, हम कुछ नहीं कर पाते। जैसे हम कहें कि करने वाला, करवाने वाला सब मेरा ठाकुर है, सब मेरे परमपिता परमात्मा है, हम तो केवल एक बांस की बांसुरी होती है। यदि उसमें मेरा कन्हैया, मेरा ठाकुर ही यदि फूंक नहीं लगाएगा तो उसमें कोई स्वर नहीं बनेंगे। मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश यहाँ पर राज्य है, और मंदसौर जिले से आप शामगढ़ से प्रॉपर वहाँ पर आपका निज निवास स्थान जी, वर्तमान में आप अभी कहाँ पर निज निवास स्थान है, और आपके माता पिता भी आपके साथ ही रहते हैं जी? मध्य प्रदेश मंदसौर जिला, मंदसौर जिले में हमारा जन्म हुआ है, शामगढ़ में ही, मंदसौर जिले में तहसील है, शामगढ़ है, तो यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। और हमारा जो निजी गांव है हमारे पिताजी का, वो हमारा गांव धलपट है जी, धलपट है, और वहाँ पर हमारी आज भी जमीन है। पिताजी ने जो संपत्ति दी है, जो है, उनके पास में किसी चीज़ की कमी नहीं। हम जो ये कथा कर रहे हैं ये केवल मेरा एक शौक है, और या तो ये कहें, या तो एक शौक है, या फिर ये कहें कि मुझे शायद ठाकुर जी ने इसके लिए चुना है। ये अच्छी बात कही है कि ठाकुर जी जो कहते हैं भगवान, कहीं ना कहीं विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है, और जैसा कि सभी संत भारत में जो है सनातन को जगाने का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि दीदी ने बताया है कि यहाँ पर जो ठाकुर जी हैं वो इनको निर्देश देते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। दीदी जी, आखिरी सवाल कि आप भी एक साध्वी हैं, और कुछ जो महिलाएं रहती हैं कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा होती है वो शिक्षा तो पूरी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने बताया जैसा कि पापा मम्मी भी आप एक विदेश से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आप उन महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा जो अभी वर्तमान में पढ़ रही हैं कल से, या फिर कुछ तैयारियाँ कर रही हैं उसको? मैं जो हमने आपको बताया अभी कि धलपट हमारा गांव है, वहाँ पर जी हमारे मामा जी भी शामगढ़ हैं, और मेरा तो अधिकतर मेरे मामा के वहाँ रहना हुआ है। हमारा नाना जी मामा जी के परिवार में ही रहना हुआ, पहले मामा जी हमको साथ में जाते थे कथा में, और वही हमको उठा करके और गोद में और व्यासपीठ पर बिठाते थे, और फिर उसके बाद में जैसे जैसे समय चेंज होता गया, बदलता गया, और हमारी माता जी की इच्छा हुई कि हमारे यहाँ पर भी आप रहें, तो वो हमें लेकर के भी आई। अभी भी हम जब भी शामगढ़ जाते हैं तो चाहे हमारा बैग हमारे घर पर उतरेगा, पर पहला स्थान हमारे मामा के यहाँ होगा, हमारे मामा के वहाँ अभी भी हम जाते हैं। तो हमारे तो लगातार कथाएं चलती रहती हैं अपने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अभी हमारी कथा होने वाली है अपने भोपाल राजगढ़ जिले में खिलचीपुर कछोटिया, ये अप्रैल में ही है, और अप्रैल 24 अप्रैल से है जी, तो ये कथा उसमें रहेगी। और अभी हमारा जन्मदिन आ रहा, तो वो सभी भक्त चाह रहे हैं कि उसमें भी हम कथा रखें, पर हमने सोचा कि शायद उसमें जन्मदिन एक ही जगह होगा, तो सारे भक्तों ने कहा कि दीदी आपका जन्मदिन हम वृंदावन मनाना चाह रहे, तो वो हमको वहाँ ले जा रहे हैं वृंदावन जन्मदिन। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि बर्थडे के दिन यहाँ पर हमारे जब भी जन्मदिन मनाते हैं कोई, तो यहाँ पर केक लगा के, मोमबत्ती जला कर, इसको दीप प्रज्वलित करके मनाते हैं। आप अपनी कथा में भी कहते हैं कि दीप जो है दीपदान का काफ़ी महत्व है, तो दीप प्रज्वलित करके क्या जन्मदिन का बेला शुरुआत करनी चाहिए जी? जन्मदिन
हमें हमेशा दीप प्रज्वलित करके, तिलक लगा करके और हाथों में कलावा बांध करके और फिर भोग बना करके, या तो आप जैसे आपके सामर्थ्य हो, आप यदि लड्डू बना पाओ या आपके जैसे सामर्थ्य हो, या आप हलवा जो भी आपके बने वो प्रसाद बना करके और ठाकुर जी को भोग लगा करके उसका प्रसाद वितरण करना चाहिए। उसी से सबका कल्याण है। यदि आप जन्मदिन मना रहे हो, आप केक काट रहे हो, उस केक को काट करके और आप उसको क्या कर रहे हैं, लोग उसको मुंह पर लगा रहे हैं ना, एक दूसरे के मुंह पर पोत रहे हैं। अब ये सोचो कि यदि यही पैसा किसी गरीब के काम आए, यदि आपका जन्मदिन है तो आप मंदसौर में अपना घर भी है, अनाथ आश्रम, तो मेरा जन्मदिन हर बार वहां मनाते हैं। हमारा जो जन्मदिन है अपना घर में ही हम मनाते हैं, जो अनाथ आश्रम है वहां पर हमारा हर बार जन्मदिन वहीं पर मनाया जाता है। और अब की बार यदि हम जन्मदिन पर यहाँ नहीं रहे, वृंदावन से भी भक्त जाने की कह रहे, तो हम वहां से आने के बाद या तो हमारा जन्मदिन फिर से वहां पर मनाएंगे या फिर उससे पहले हम वहां मनाएंगे। तो आपका जो जन्मदिन मनाओ तो या तो अनाथ बच्चों के साथ मनाओ या गौशाला, आप गौशाला में जाकर के, जो आपके यहाँ पर भी गौशाला है, जो मगरा माता जी आपके यहाँ गौशाला, बहुत सुंदर गौशाला, हम पिछली बार भी आए थे, दर्शन भी किए। तो आपको जन्मदिन कहाँ मनाना चाहिए, गौ माता के साथ में जा करके। गौ माता को आपको क्या करना चाहिए, आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपके विवाह की वर्षगांठ है या जो भी हो, तो आपको मीठा गुड़ का दलिया बनाना चाहिए और गुड़ का दलिया बना करके और आप गौशाला में ले जाएं, जिससे आपकी सामर्थ्य हो इतना बनाएं, और अपने हाथों में ऐसे उस गुड़ के दलिये को रख करके एक 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 गौ माता को आपको खिलाना चाहिए। जिसका जन्मदिन होता है या विवाह वर्षगांठ होती है, तो जो गौ माता की जबान इस हाथ से स्पर्श होती है, तो गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता होते हैं। उनकी जबान यदि आपके हाथों से, इन रेखाओं से स्पर्श हो रही है, तो आपके किस्मत की रेखा भी चमक जाएगी। तो गौ माता का आशीर्वाद इतना बना रहेगा। और आप तो सौभाग्यशाली है कि आपके यहाँ आंकोदड़ा में मगरा माता जी के यहाँ पर कई गौ माता की सेवा हो रही है। जी जी, माफ कीजिए, यहाँ पर गौशाला, जैसा कि आपने बहुत ही अच्छी बड़ी बात कही है कि गौशाला यहाँ पर है, और यहाँ पर एक हमारे गांव में जिस भी युवा का या किसी का भी जन्मदिन आता है, यहाँ पर वैसे वो शौक से यहाँ पर रसीद बनवाते हैं और गौशाला में दान करते हैं। क्या बात, तो ये काफी अच्छी बात आपने बताई है। अन्य भक्तों को भी यहाँ से आपको सीख लेना चाहिए कि मतलब जन्मदिन दीप प्रज्वलित करके मनाना चाहिए और गौशाला में कुछ अपने से जो भी बने होना चाहिए वो दान करना चाहिए, गौशाला में भी दान देना चाहिए। ये तो आपने उस दिन की व्यवस्था करी, कौन से दिन की, जिस दिन आपका जन्मदिन था, जो आपने दलिया या उस दिन की व्यवस्था करी। आपने एक दिन भोजन कर लिया तो क्या आपको दूसरे दिन भोजन की आवश्यकता नहीं है, दूसरे दिन भी आपको भोजन चाहिएगा। तो आपने एक दिन तो उनको खिला दिया, फिर दूसरे दिन गौ माता इंतजार कर रही है, उसके लिए आपको रसीद बनवानी चाहिए कि दूसरे दिन जहाँ तक आपका जन्मदिन फिर आता है, तो उसके हिसाब से जैसी भी आप रसीद बनवाओ, आप रसीद भी बनवाओ, उसके साथ साथ यदि आप सामर्थ्य हैं तो आप एक ट्राली, दो ट्राली, जैसा भी सूखला हो या घास हो, आप वहाँ पर भी डलवा सकते हो, जल की व्यवस्था करवा सकते हो। वहाँ जा कर के खुद व्यवस्था देखो, खुद को व्यवस्था देखना चाहिए आज के नवयुवकों को। तो गौ माता और हमारा, हमने बताया कि दीप प्रज्वलित करके जन्मदिन मनाया, केक काट करके आपने जन्मदिन मनाया। हमारी सनातन धर्म, हमारा धर्म ये नहीं कहता कि आप फूंक दे करके और उसे बुझाओ। यदि आपने दीपक लगाया या आपने मोमबत्ती लगाई, आपने उसे फूंक दिया ना, तो आपके जीवन में आप अंधकार करना चाहते कि प्रकाश करना चाहते। तो आपके जीवन में यदि अंधकार करना चाहते हैं तो आप फूंक दे करके, केक को काट करके और फिर आप जन्मदिन मनाओ, क्योंकि आपके जीवन में अंधकार आने वाला है। और यदि आप प्रकाश चाहते हैं, उजाला चाहते हैं कि हमारे जीवन हमेशा इस दीपक की तरह हमेशा चमकता रहे, तो आप दीप लगाएं, तिलक लगाएं, पूजन करें, हाथ में कलावा बांधें। और केक से क्या सीख मिलती है, केक काट करके मुंह पर तो पोत दिया, पर आप तो, आपको, आपने उस केक से शिक्षा नहीं लिया है। ये पक्षी में संस्कृति है, उसमें उससे ये शिक्षा मिलती है कि केक इसलिए काटा जा रहा है कि इस केक को काटने से आपको शिक्षा मिल रही है कि जो जीवन आपका, जो
पिछला जो आपका कट गया सो कट गया, आगे का जीवन आपको भक्ति से, सत्संग से, संतों के सानिध्य से प्राप्त करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात करी। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी सवाल रहेगा कि आप भगवान श्री राम की कथा करें, उसके साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छा संदेश भी महिलाओं के लिए भी देते हैं, युवाओं के लिए भी देते हैं अपनी कथा में। ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, क्योंकि गांव में कथा होती है और गांव से जो भी कथा सुनते हैं वो हमारे मध्य प्रदेश की ले लो या राजस्थान को ले लो, मालवी में सुनना पसंद करते हैं। और आप मालवी भी बिल्कुल यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि आप एक विदेश से हैं जी। और जैसा कि आपने बताया है दीदी जी, आखिरी सवाल ये रहेगा कि भगवान श्री राम का जन्म यहाँ रामनवमी को मनाया जाता है, वो किस लिए मनाया जाता है और क्या संदेश रहेगा? मालवी तो हम बोलते ही हैं, बाकी हर जगह राजस्थान में भी हमारी कथा होती है, राजस्थानी भी बोलते हैं, मारवाड़ में भी होती है, तो मारवाड़ी भाषा में भी हम कथा करते हैं। मारवाड़ी भाषा में विशेष नानी भाई का मायरा, जी नानी भाई का मायरा पूरा मारवाड़ी भाषा में होता है, उसमें मालवा के भी शब्द आते हैं, ऐसी बात नहीं है। गुजरात में हमारी कथा होती है तो उसमें गुजराती में हम करते हैं, गुजराती में भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं। और हमें अभी लंदन से निमंत्रण भी आया है कि वहाँ पर भी आपको कथा के लिए बुला रहे हैं, तो भी बस पासपोर्ट हमारा अभी तैयार होगा, उसके बाद शायद ठाकुर जी ने चाहा तो। बाकी मेरा तो भारत में जब जन्म लिया है तो भारत में ही देवताओं ने जन्म लिया है और भारत में ही देवता है, तो शायद विदेशों में संस्कृति जगाने के लिए शायद हमें ठाकुर जी चुन रहे होंगे, तो इसका भी हम यह नहीं कह सकते कि कब जाना है। बताएंगे, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी हुई थी कि जो गांव में बेटियां पढ़ रही हैं ना, उसे उन्हें किस प्रकार से शिक्षा लेनी चाहिए। सबसे पहले जो गांव में हो या शहर में हो या किसी राज्य में हो या किसी ज़िले में हो, हर बेटी को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप यदि पढ़ रही हैं, यदि आपको आपके पिता पढ़ा रहे हैं, तो वो आपके पिता आपके ऊपर एक विश्वास करके आपको इतना दूर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो आपका पिता का विश्वास है, आपके पिता का विश्वास है। और आपके पिता के विश्वास को यदि आप लेकर के चलती हैं तो आप अवश्य ही उसमें सफल होंगी, और जिस समय आप कुछ बन करके आएंगी तो वो पिता गर्व से कहेगा कि आज मेरी बेटी कलेक्टर बन गई है, आज मेरी बेटी वकील बन गई, आज मेरी बेटी जज बन गई, आज मेरी बेटी। तो आपको करना क्या है कि जो सोशल मीडिया आप चला रहे हैं, आज की बेटियों को हम कह रहे हैं कि आप चलाइए, खूब चलाइए, पर उस सोशल मीडिया में आप फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी चलाती हैं, तो आप उसमें मित्रता जो रिक्वेस्ट होती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप उसी की एक्सेप्ट करो जिसे आप अच्छी तरह से जानती हो। यदि आपने किसी व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लिया, किसी को फ्रेंड बना लिया, और अगर वो कोई विधर्मी है और वो विधर्मी यदि आपके साथ में कोई दुष्कर्म करता है, तो सोचो जिस पिता ने आपको इतने विश्वास से भेजा है उस पिता के, उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। और वो पिता जिस समाज से, जिस परिवार से कहता था कि मेरी बेटी को मैं पढ़ाऊंगा, इतने विश्वास से कहता था, वो पिता उस बेटी, उस समाज को, उस परिवार को क्या मुख दिखाएगा। इसीलिए क्यों अभी अभी की घटना है कि एक विधर्मी ने हमारी एक सनातन धर्म की बेटी के 35 टुकड़े करके और फ्रिज में बंद कर दिए और रोज रात में जा करके और फेंक रहा है। और वो पिता ने कैसे ढूंढे होंगे उस बेटी के, अपने कलेजे के टुकड़े को। और जब इस बेटी को कहा गया कि बेटी तुम ऐसा मत करो, तो उस बेटी ने क्या कहा कि मेरी उम्र हो गई है, मैं 27 वर्ष की हो गई हूँ, या मैं 25 वर्ष की, ऐसा कुछ थी वो, कि मैं इतने वर्ष की हो गई हूँ, मेरा फैसला मैं खुद ले सकती हूँ। तो जब खुद ले सकती है तो फिर ऐसे विधर्मी का साथ क्यों चुना, और ऐसे विधर्मी का साथ चुना तो फिर उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो ऐसे विधर्मियों से बचने के लिए उस बेटी से मैं प्रार्थना करूंगी, उस बहन से मैं हाथ जोड़ करके विनम्र मैं निवेदन करूंगी कि ऐसे विधर्म से अवश्य बच करके रहें, और अपने माता पिता, अपने परिवार का, अपने समाज का, और अपने गांव का, राज्य का, जिले का, और इस विश्व का नाम रोशन करें, ताकि आपको देख करके और पिता प्रेरित हो कि मेरी बेटी को भी मैं पढ़ने के लिए बाहर भेजूंगा। जैसा कि दीदी जी ने बताया, काफी अच्छी बात कही है, ये वीडियो को आप बिल्कुल बेक करके सुन सकते हैं, एक बार नहीं चार बार सुनिएगा। अगर आपको शुरुआत में समझ में नहीं आया तो बेटी को लेकर बात बताई है,
हमसे जुड़ने के लिए दीदी जी आपका धन्यवाद। इसके लिए नेटवर्क मंजूर अशोक पाटीदार के साथ पाटीदार।